अगर हिम्मत है 69,000 शिक्षक भर्ती, घोटाला हुआ है 27% रिजर्वेशन, अगर मर्द है तो बोल दे जबान काट लेगी बीजेपी, इनकी औकात नहीं है। जितने पिछड़े समाज के नेता भाजपा में है सबके सब लूडर है। ये है ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कभी कहते थे कि योगी जी जातिवादी हैं, योगी जी ठाकुर हैं, और वो अपने सामने पिछड़े वर्ग के लोगों को कुर्सी पर नहीं स्टूल पर बिठाते हैं। राजभर ने यहाँ तक कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को भी योगी आदित्यनाथ अपने सामने कुर्सी पर नहीं स्टूल पर बिठाते हैं। हम अगर हुई धुआं भाई ने वही चुलवा उठा कर मारी चर्चा जनी। साल 2022 के यूपी चुनाव से पहले राजभर ने योगी आदित्यनाथ पर ठाकुरों को बढ़ावा देने और पिछड़ों के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी का साथ छोड़कर सपा के साथ आ गए थे। राजभर को ऐसा लग रहा था कि सपा चुनाव जीतेगी, इसीलिए वो पाला बदलकर सपा में आ गए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया और सुभा सपा, सपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन परिणाम उल्टे रहे। चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत हुई। सपा ने राजभर की पार्टी को 18 सीटें दी थी, जिसमें की 6 सीटों पर राजभर की पार्टी जीती। ओम प्रकाश राजभर मुरादाबाद विधानसभा सीट से विधायक बनने में फिर से कामयाब हुए, लेकिन उनका सपा के साथ किया गया करार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया और वो अखिलेश के खिलाफ ही बोलते देखे गए। कहा जाता है कि राजभर उन नेताओं में हैं जो सियासी हवा को भाप लेते हैं, लेकिन 2022 के चुनावों में वे शायद गलती कर गए, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले वो ये गलती नहीं दोहराना चाहते हैं और वे फिर से बीजेपी के सहयोगी बन गए हैं। बीजेपी ने उन्हें इसका गिफ्ट भी दिया है और योगी कैबिनेट में ओपी राजभर को जगह मिल गई है। ओपी राजभर अब योगी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं, तो अब उनके तेवर भी बदल गए हैं। महू में एक सभा के दौरान उन्होंने कह दिया कि अब मैं मंत्री बन गया हूं, मेरा पावर मुख्यमंत्री से भी कम नहीं है। आज ओम प्रकाश राजभर के पास वो पावर है कि जो पावर मुख्यमंत्री जी के पास है उसके नीचे अगर पावर किसी के पास है तो दरअसल बीजेपी को राज्यभर की जरूरत क्यों पड़ी ये जाने तो पूर्वांचल में सुभा सपा का करीब 40 विधानसभा सीटों पर दबदबा रहा है। पिछले साल सपा का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ आए राज्यभर इससे पहले कई मुद्दों पर योगी सरकार को ही खिंचाई करते देखे गए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तो जाति की राजनीति के राजभर माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। इसीलिए 2024 चुनाव से पहले बीजेपी क्षेत्रीय दलों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही है और राजभर को मंत्री बनाना बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जो ओपी राजभर कभी स्टूल में बैठने की बात कहते थे, आखिरकार अब वे कुर्सी में बैठे नजर आ रहे हैं। इसीलिए अब तो ये कहना होगा कि नैतिकता, ईमानदारी और मौलिकता जैसे शब्द तो अब राजनीति से हटा ही देने चाहिए, क्योंकि चुनाव से पहले पाला बदल कर नेता बड़ी तादाद में दलों में शामिल होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि इनकी सरकार बनने वाली है, तो इसलिए ये नेता मौसम वैज्ञानिक बन जाते हैं और किसी भी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें।